नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के हिंदू एजेंडे को इस कदर आगे बढ़ाया कि 5 साल में ही सूबे की सियासत तो बदली ही, साथ ही उन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी कर 3 दशक पुराने मिथक को तोड़ते हुए नया इतिहास भी रच डाला। लेकिन इसमें उन्हें अपने और पारायणों से चुनौतियाँ भी खूब मिली, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनका डटकर मुकाबला किया। नदीचतन 2022 में 18वीं विधानसभा गठन के लिए हुए कुल 403 सीटों में 273 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करने में कामयाबी हुए। हालांकि इस बार पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी 52 सीटों के नुकसान में जरूर चली गई, क्योंकि योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्री चुनाव में धराशाही हो गए। 5 साल पहले बीजेपी ने यूपी में असेंबली चुनाव लड़ा था, उस वक्त योगी चेहरा नहीं थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जब सीएम बनाने की बारी आई तो इस रेस में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य आदि नाम आए थे। पर सूबे में आरएसएस के हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी शाह जोड़ी ने जो टास्क किया उसमें हिंदुत्व फायर ब्रांड नेता आदित्य योगी नाथ का नाम सामने आया। फिर क्या था, बीजेपी ने योगी को बतौर सीएम यूपी की ताजपेशी तो की ही, मगर उनके नेतृत्व में कहीं सत्ता का सिंहासन डगमगा न जाए यह जरूर डर था। शायद यही वजह है कि पार्टी ने सत्ता में बैलेंस बनाने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बनाए, एक केशव प्रसाद मौर्य तो दूसरे दिनेश शर्मा। शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे जैसे योगी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया, वैसे वैसे ही विधायकों और मंत्रियों में उपजी नाराजगी ने चिनगारी का रूप ले लिया। फिर क्या था, लामबद्ध बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार में सुनवाई न होने पर आरोप लगाते हुए सदन में धरने पर बैठ गए थे। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने फौरी तौर पर सब कुछ मैनेज कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने विकास कार्यों को रफ्तार दी और कानून व्यवस्था को सुधारने में माफियाओं पर बुलडोजर भी चलाया, मगर कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य में भीतर टीस दिखी। चुनावी साल में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने सीएम का चेहरा बदलने की खूब चाल चली, मगर वो सीएम योगी पर आरएसएस सुप्रीमो का हाथ होने की वजह से कामयाब नहीं हुए। लेकिन यूपी में चुनावी बिगुल बजते ही योगी के कई मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी समेत करीब 1 दर्जन MLA बीजेपी से विद्रोह कर अखिलेश के साथ खड़े नजर आए। इससे पार्टी सपकाई तो जरूर, लेकिन फौरी तौर पर डैमेज कंट्रोल कर लिया। यूपी में नई सरकार गठन के लिए बीजेपी ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रालोद के जयंत चौधरी, पूर्व मंत्री ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह समेत छोटे दलों के संगठनों को मिलाकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस बसपा अकेले चुनाव लड़ी। गुरुवार को यूपी में सभी 403 सीटों के आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सूबे में 273 सीटें जीतकर बीजेपी प्रचंड बहुमत में आई। पहले चरण में 58 में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती। दिग्गजों की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से MLA पंकज सिंह ने 244,319 मत पाकर जीत दर्ज की। कैराना से पूर्व मंत्री हुकुम सिंह की बेटी बीजेपी प्रत्याशी मंग गाका सिंह 105,148 मत पाकर चुनाव हार गई, जबकि यहां से सपा के नाहिद हसन 131,035 मत पाकर जेल से MLA बन गए। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से 137,310 मत पाकर बीजेपी विधायक बन गई। योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा दोबारा चुनाव जीत गए। शर्मा को 158,859 मत मिले। योगी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा थाना भवन से चुनाव लड़े थे, मगर वो 92,945 मत पाकर चुनाव हार गए। यहां से रालोद के अशरफ अली 103,751 मतों से MLA बन गए। साधना से बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम भी 1,373 मत पाकर चुनाव हार गए। यहां से सपा के अतुल प्रधान 118,573 मत पाकर जीत गए। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल
11,794 मत पाकर चुनाव जीत गए। जेवर से आरएलडी के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना 60,890 मत पाकर चुनाव हार गए। यहां से बीजेपी के देवेंद्र सिंह 1,17,205 मत पाकर चुनाव जीत गए। लौनी से बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर भी 1,27,410 मत पाकर चुनाव जीत गए। योगी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग भी 1,50,205 मत पाकर दोबारा जीत गए। दूसरे चरण की बात करें तो इस चरण में 55 में से बीजेपी ने 28 सीटें जीती हैं। इस चरण के दिग्गजों की बात करें तो योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से 1,09,942 मत पाकर 10वीं दभा विधानसभा पहुँचे। मंत्री गुलाबो देवी चंदौसी से 1,12,890 मत पाकर चुनाव जीत गई हैं। मंत्री बलदेव सिंह औलक भी बिलासपुर से 1,01,998 मत पाकर MLA चुन लिए गए। रामपुर से सपा के पूर्व मंत्री आजम खां भी सीतापुर जेल में कारागार में रहकर 1,31,225 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। नकुल से पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी 1,03,799 मत पाकर चुनाव हार गए हैं। यहां से बीजेपी के मुकेश चौधरी 1,04,114 मत पाकर विधायक चुन लिए गए। कांठ से सपा के पूर्व मंत्री कमल अख्तर 1,34,692 मत पाकर चुनाव जीत गए। अख्तर ने बीजेपी के राजेश सिंह को हराया। अमरोहा से पूर्व मंत्री महबूब अली 1,28,735 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के राम सिंह को हराया। तीसरे चरण के चुनाव की बात करें तो 59 में से 42 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। दिग्गजों की बात करें तो इस चरण में सपा मुखिया पूर्व CM अखिलेश यादव करहल से 1,48,196 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री SP बघेल को पटकनी दी है। प्रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से 1,59,718 मत पाकर MLA चुन लिए गए हैं। कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद महज 2,085 मत पाकर बुरी तरीके से हार गई हैं। यहां से बीजेपी के सुनील दत्त द्विवेदी 1,12,314 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना महाराजपुर से 1,52,883 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। राज्य मंत्री नीलिमा कटियार कल्याणपुर से 98,997 मत पाकर MLA चुन ली गई हैं। सादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय 98,437 मत पाकर चुनाव हार गए। पूर्व IPS असीम अरुण कन्नौज से 1,20,876 मत पाकर बीजेपी विधायक चुन लिए गए। चौथे चरण की बात करें तो इस चरण में 59 सीटों में बीजेपी ने 49 पर अपना ध्वज फहराया। यहां की सीटों पर चुनाव लड़े दिग्गजों की बात करें तो योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ से 1,08,147 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने सपा के सुरेंद्र गांधी को पराजित किया। लखनऊ पूर्वी से मंत्री आस्टो टंडन भी 1,52,928 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी ED से ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह 1,60,626 मत पाकर विधायक बन गए। उन्होंने सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को पराजित किया। अभिषेक को 1,04,440 मत मिले। पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल भी 1,26,750 मत पाकर हरदोई से बीजेपी MLA बन गए। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी आदित्य सिंह 1,02,426 मत पाकर विधायक चुन ली गई। लखनऊ सेंट्रल से सपा के पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा 1,04,488 मत पाकर चुनाव जीत गए। पांचवें चरण की बात करें तो इस चरण में 61 में से बीजेपी ने 39 सीटों पर परचम फहराया। दिग्गजों की बात करें तो योगी सरकार के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से 98,481 मत पाकर चुनाव हार गए। यहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल की बहन सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल 1,06,278 मत पाकर MLA चुन ली गई हैं। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पश्चिमी से 1,18,759 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं।
प्रयागराज दक्षिण से मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी 97,864 मत पाकर, मनकापुर से बीजेपी मंत्री रमापत शास्त्री 105,677 मत पाकर चुनाव जीत गए। वहीं चित्रकूट से मंत्री चंद्रिका उपाध्याय 83,895 मत पाकर चुनाव हार गए। यहां से सपा के अनिल कुमार 104,771 मत पाकर विजयी हुए। पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा से 99,612 मत पाकर फिर एमएलए चुन लिए गए हैं। रामपुर खास से कांग्रेस की आराधना मिश्रा 84,334 मत पाकर चुनाव जीत गई हैं। अयोध्या से सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे 93,424 मत पाकर चुनाव हार गए हैं। यहाँ से बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता 113,414 मत पाकर दोबारा एमएलए चुन लिए गए। अमेठी से बीजेपी के पूर्व सांसद संजय सिंह 70,121 मत पाकर चुनाव हार गए। यहाँ से सपा के महाराजा प्रजापति 88,217 मत पाकर विधायक बन गए। छठे चरण की बात करें तो इस चरण में 57 में से 40 सीटों पर बीजेपी ने करसरिया ध्वज फहराया है। दिग्गजों की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 165,499 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। बलिया से बीजेपी के प्रत्याशी दयाशंकर भी 103,873 मत पाकर एमएलए बन गए हैं। दयाशंकर ने पूर्व मंत्री नारद राय को पराजित किया। योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी भी चुनाव हार गए हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही पत्थर देवा से 93,858 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से 71,015 मत पाकर चुनाव हार गए हैं। देवरिया से बीजेपी के प्रत्याशी सलमण त्रिपाठी 106,701 मत पाकर विधानसभा में दाखिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप बांसी से 84,596 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इटावा से 65,591 मत पाकर चुनाव हार गए हैं। यहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सपा प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे 64,253 मत पाकर फिर विधायक बन गए। मंत्री श्री राम चौहान खजरी से 90,210 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। जय प्रसाद निषाद भी रुद्रपुर से 78,187 मत पाकर विधायक बन गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तुम कही राज से महज 33,496 मत पाकर चुनाव हार गए हैं। यहां से बीजेपी के असीम कुमार 115,123 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। कटहरी से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा 93,524 मत पाकर तथा अकबरपुर से राम अचल राजभर 81,931 मत पाकर फिर विधायक बन गए। सातवें चरण की बात करें तो सातवें चरण में 54 में से 26 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से 134,471 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। मंत्री नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिणी से 99,622 मत पाकर, मंत्री गिरीश यादव जौनपुर से 97,760 मत पाकर फिर विधायक बन गए। राज्य मंत्री संगीता बलवंत 90,780 मत पाकर चुनाव हार गई हैं। यहां सपा के जय कृष्ण 92,472 मत पाकर विजयी हुए हैं। मंत्री संजीव गौड़ ओबरा से 78,364 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। इनके अलावा बाहुबली फूलपुर पूर्वी से सपा के रमाकांत यादव 81,164 मत पाकर चुनाव जीत गए हैं। वहीं जेल में रहकर चुनाव लड़े बाहुबली विजय मिश्रा 34,985 मत पाकर चुनाव हार गए हैं। यहाँ से सपा के रामकिशोर 67,215 मत पाकर विधायक बन गए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से 114,860 मत पाकर चुनाव जीत गए। बाहुबली धनंजय सिंह मलहनी से 79,830 मत पाकर चुनाव हार गए। यहां से सपा के लकी यादव 97,352 मत पाकर विजयी हुए। वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास मऊ से 124,691 मत पाकर सपा से एमएलए चुन लिए गए।